मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। 14 साल के बच्चे ने गलती से निगल लिया 10 रुपए का सिक्का, देखिए डॉक्टर ने कैसे 14 सेकंड में निकाला। मेरा भाई कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। छोटे बच्चे अक्सर मुंह में कोई भी चीज ले लेते हैं और निगल लेते हैं, ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी है। ऐसी एक घटना हम आपको आज बता रहे हैं महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से। सेगांव तहसील में वरखेड बुद्रुक गांव है, यहाँ पर 14 वर्षीय मंगेश इंदोरे ने 10 रुपए का सिक्का अपने मुंह में रखा और खेलते खेलते अचानक सिक्का गले में चला गया। गले में जाने के बाद सिक्का फंस गया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मंगेश ने अपने पिता को बताया, पिता ने फौरन शेगांव में पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं सचिन सांगले, इनके अस्पताल में बच्चे को दाखिल कराया। डॉक्टर सचिन सांगले ने एक्सरे निकाल करके 10 रुपए का सिक्का कहां गले में फंसा हुआ है वो जगह निश्चित की और उसके बाद सिर्फ 40 सेकंड में फॉलेज कैथेटर की मदद से ये सिक्का बाहर निकाला। इसका वीडियो बना है किस तरीके से 40 सेकंड में मंगेश इंदोरे के गले में फंसा हुआ ये 10 रुपए का सिक्का डॉक्टर सचिन सांगले ने निकाला है, देखिए, जिसको लेकर उनकी काफी स्तुति और प्रशंसा की जा रही है। एक सेकंड।